हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? तो दोस्तों, स्वागत आप सभी का शिक्षा पीएम तक के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारी क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास हमने ले ली है, यानी पॉडकास्ट हमने कर लिया है। उस पॉडकास्ट को भी आप ज़रूर देखना, हमने काफ़ी अच्छे मीनिंग्स की डिस्कशन की है। और आपको बता दें कि हम हर पॉडकास्ट के अंदर 50 से 60 वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश के उनको डिस्कशन करेंगे। और ऐसे करते करते हम कई सारे पॉडकास्ट की मदद से अपन 5000 वर्ड मीनिंग इंग्लिश के है उनको अपन लर्न कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को या इस पॉडकास्ट को अपन शुरू करते हैं। और पहला मीनिंग हमारा आता है नेवर। नेवर का मतलब है कभी नहीं। आई का मतलब होता है आँख या आइस होती है, उनको हम आँखें कहते हैं। कीप का मतलब रखना। स्टेट का मतलब राज्य होता है, STAT। स्टेट का मतलब राज्य। एक स्टेट होता है वो सीधा होता है, उसे हम स्टेट कहते हैं। और ये स्टेट है उसे हम राज्य कहते हैं। बिटवीन का मतलब हो गया के बीच में से, यानी दो चीज़ों के बीच की जगह होती है उसे हम बीच कहते हैं। या उन दो मतलब दो चीज़ों के बीच की जगह है, उसके बीच में से हम कोई चीज़ को गुजार रहे हैं तो उसे हम के बीच में से कहेंगे। यानी के बीच में से कोई चीज़ गुजर गई, जैसे टू प्लेयर बिटवीन ऑफ द पास द बॉल, तो यानी दो प्लेयरों के बीच में से बॉल को हमने पास कर दिया तो वो बिटवीन हो गया। सन का मतलब सूर्य होता है, SUN। सन का मतलब सूर्य होता है। SON सन होता है, उसका मतलब बेटा या पुत्र होता है। दोस्तों, अगला मीनिंग है हमारा फूड। फूड का मतलब खाना होता है। कवर का मतलब आवरण होता है, यानी किसी चीज़ को आप किसी चीज़ से ढक रहे हो या कवर कर रहे हो तो वो मतलब उसका आवरण हो गया, तो यानी कवर। प्लांट का मतलब पौधा होता है या पौधे होते हैं। दोस्तों, लर्न का मतलब सीखना होता है। यू आर लर्न विथ शिक्षा PM तक यूट्यूब चैनल, तो ज़रूर लर्न करो आप इस यूट्यूब चैनल से। इस पॉडकास्ट की मदद से इंग्लिश बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि अपन बेसिक वर्ड मीनिंग से एडवांस वर्ड मीनिंग है उनकी ओर चलेंगे। तो काफ़ी सारे मीनिंग ऐसे भी आएंगे जो आपको पहले से पता भी है, काफ़ी मीनिंग ऐसे आएंगे जो आपको सीखने के लिए मिलेंगे, पहली बार आपने सुना है। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे पॉडकास्ट को आप कभी नहीं छोड़ना भाई, देखना ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। स्टिल का मतलब फिर भी होता है। स्टडी का मतलब अध्ययन या पढ़ना, जाँच करना किसी चीज़ के बारे में, उसे हम स्टडी कहते हैं। ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, तो आप भी ग्रो कर रहे हो, या कोई पेड़ पौधा है वो भी ग्रो कर रहा है, या आप अपने लाइफ के अंदर ग्रो कर रहे हो, अपने आप को उस कर रहे हो, मतलब बढ़ा रहे हो अपने लेवल, ब्रेन का लेवल बढ़ा रहे हो। जैसे आप अभी पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आप अपने आप के ब्रेन के लेवल को आप ग्रो कर रहे हो, अप कर रहे हो, यानी कुछ वर्ड्स है जो आप जान रहे हो, फिर आप इन वर्डों को यूज़ करोगे डेली लाइफ के अंदर, तो यानी आपका ग्रो भी हो रहा है अपने आप को। इसके अलावा एंसवर, एंसवर का मतलब उत्तर होता है। फाउंड का मतलब मिल गया, कोई मिल गया, आपने देखा है फाउंड का मतलब मिल गया। कंट्री का मतलब देश होता है। शुड का मतलब चाहिए। पेज का मतलब पृष्ठ होता है। ओवन का मतलब अपना होता है। स्टैंड का मतलब खड़ा होता है। और स्टैंड कॉमेडी क्या होती है आप जरूर मतलब सोचना, विचार करो ऐसे कि स्टैंड कॉमेडी क्या होती है। पता है मुझे, आपके दिमाग में पूरी स्टैंड कॉमेडी आ गई है, क्योंकि आपने ये काफ़ी बार देखा है। तो स्टंट का मतलब खड़ा होता है। ऐसे ही आप जैसे कॉमेडीज़ वगैरह देखते हो या मूवीज़ वगैरह देखते हो या सॉन्ग वगैरह सुनते हो, वैसे ही इन पॉडकास्टों को भी बार बार सुनिए, जिससे आप अच्छी खासी नॉलेज गेन करोगे और आपके ब्रेन के अंदर परमानेंट स्टोर हो जाएंगे ये मीनिंग्स, ये वर्ड्स। तो फिर देखना क्या अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपका। हेड का मतलब सिर होता है। HAD हेड का मतलब सिर होता है। फाइंड का मतलब खोज होती है। किसी के बारे में आप खोज रहे हो या कोई चीज़ आप खोज रहे हो तो उसे आप फाइंड कहोगे। नाउ का मतलब अभी होता है। साइड का मतलब पक्ष होता है। डाउन का मतलब नीचे होता है। मे का मतलब हो सकता है। फर्स्ट का मतलब प्रथम होता है। और सेकंड का मतलब द्वितीय होता है। और तीसरे को हम क्या कहते हैं आप कमेंट में जरूर बताना, तृतीय को। और हाँ, MAY मे है, इसका हो सकता है। MY का माई होता है, उसका मतलब मेरा होता है। MAY हो सकता है, याद रखना, ठीक है ना। वो का मतलब कौन होता है। और वाटर का मतलब पानी होता है। WATER वाटर, ये वाटर होता है, वाटर मत बोलना, वाटर होता है, वाटर मतलब पानी। नो का मतलब जानना होता है। नो का मतलब जानना। यहाँ पे ज़रूर से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, मैं आपको इसकी मीनिंग बता रहा हूँ। KNOW होता है, नो का मतलब जानना, नो का मतलब जानना। और NOW होता है, उसका अब होता है। नाउ का मतलब अब, जस्ट नाउ आप क्या कर रहे हो, अभी आप पॉडकास्ट सुन रहे हो।
ओवर का मतलब ऊपर होता है और ओवर का मतलब समाप्त भी होता है। दोस्तों काफ़ी सारे मीनिंग ऐसे भी आए हैं यहाँ पे जो आप पहले से जानते थे, काफ़ी मीनिंग ऐसे भी आई है जो आपने नहीं जाना है। लगभग ये सारे मीनिंग है वो बेसिक थे, तो लगभग आपने कहीं ना कहीं इन मीनिंगों को ज़रूर लर्न किया है या कभी ना कभी आपके सामने ज़रूर आए हैं। दोस्तों पॉडकास्ट के लगभग अपन मिड में आ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो तो क्या है, पॉडकास्ट है। वीडियो बार बार आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने पॉडकास्ट नहीं किया है, पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस थोड़ा लो है, तो हम ये दूसरा ही पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो ऐसे वीडियो नाम आ रहा है बार बार से। तो दोस्तों अपन नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। हाउस मेकर का मतलब होता है घर बनाने वाला। आपका घर किसने बनाया था आप सोचिए, विचार करिए ऐसे, और कमेंट में बता देना ये नाम याद है तो घर बनाने वालों का। हाउस मेकर यानी घर बनाने वाला। टू ड्रॉप एक्सप्लोजिव बम यानी बम गिराना, या टू ड्रॉप यानी गिराना एक्सप्लोजिव बम यानी फूटने वाला या इसे फटने वाला बम होता है, उसे हम बम गिराना यानी टू ड्रॉप एक्सप्लोजिव बम। एग्रीमेंट का मतलब होता है बंधन। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। हेड का मतलब होता है झोंपड़ी। क्लोज फ्रेंड होते हैं उन्हें हम खास दोस्त कहते हैं। आपके खास दोस्त कौन है विचार करिए, नाम भी बता दीजिए बताना चाहते हो तो कमेंट के अंदर क्लोज फ्रेंड का। इसके अलावा टैक्सी का मतलब किराए की गाड़ी होती है। किराए पे आप कहीं पे जाते हो थोड़ी दूर के लिए या काफ़ी दूर के लिए किराए पे आप गाड़ी करते हो, आपकी नहीं है तो वो टैक्सी हो गई। स्मॉल रूम का मतलब छोटा कमरा होता है। बिग रूम का मतलब बड़ा रूम होता है। ऐसे आप सेंटेंस बनाइए रूम के साथ, अलग अलग सेंटेंस को जोड़ के, अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के ऐसे मीनिंग बनाइए जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको लर्न करने में इंग्लिश को, ठीक है। जैसे प्राइवेट रूम यानी गुप्त कमरा, स्ट्रॉन्ग चेन यानी मजबूत तार, और अब कमज़ोर तार होता है या स्ट्रॉन्ग चेन को आप मजबूत श्रृंखला भी कह सकते हो। अब कमज़ोर चेन या कमज़ोर श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं, आप सोचिए, ज़रा सोचिए अपने दिमाग में कि क्या कहते हैं, बताना भी ज़रूर कमेंट में, जैसे पॉडकास्ट एंड होता है तो बताना कि हम कमज़ोर चेन या कमज़ोर श्रृंखला को क्या कहते हैं। इसके अलावा मिलिट्री स्टूडेंट होता है उसे हम सेना का छात्र कहते हैं। अब स्टूडेंट के साथ और वर्ड्स जोड़िए, जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट या इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ऐसे मीनिंग्स को जोड़िए और विचार करिए, सोचिए, ऐसे ही आप वर्ड्स को मिला मिला के ही आप अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो। सेंटर का मतलब केंद्र होता है। वायर बॉक्स होता है उसे हम पिंजरा कहते हैं, यानी तारों से बना हुआ बॉक्स होता है उसे हम पिंजरा कहते हैं। ऐसे जोड़िए, जैसे वुड बॉक्स यानी लकड़ी का बॉक्स है, ऐसे सेंटेंस को जोड़ के आप अपनी इंग्लिश को अलग ही एडवांस लेवल पर आप लर्न कर सकते हो। टू चीट बाई फ्लैटरिंग यानी चापलूसी से ठगना, चापलूसी से ठगना को हमें टू चीट बाई फ्लैटरिंग कहते हैं, फ्लैटरिंग। यंग ऑन ऑफ काऊ यानी बछड़ा, जो गाय का छोटा बच्चा होता है यानी बछड़ा होता है उसे हम बछड़ा ही कहते हैं, यानी यंग ऑन ऑफ काऊ, थोड़ा बड़ा बना दिया, इसे हम और भी कहते हैं लेकिन आने वाले सेंटेंस में उन्हें भी हम चर्चा करेंगे बछड़े को डायरेक्ट हम क्या कहते हैं। एबिलिटी का मतलब योग्यता होता है या किसी की कोई क्षमता होती है उसे हम एबिलिटी कहते हैं। आपकी क्या एबिलिटी है, आपकी क्या स्किल्स है वो आप मतलब उन्हें हम एबिलिटी कहते हैं। क्वाइटनेस का मतलब शांति होता है। क्वाइटनेस किसी जगह पे एकदम शांति है तो उसे हम क्वाइटनेस कहते हैं, शांति। और शोर शराबे वाली होती है जगह उसे हम क्या कहते हैं, सोचिए विचार करिए, हम आने वाले सेंटेंसों में आने वाले पॉडकास्टों में ये भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप पहली मतलब सोचिए इसे दिमाग के अंदर आपको क्या ऐसे मतलब शोर शराबे वाली जगह है या शोर शराबे को क्या कहते हैं, आप सोच पा रहे हो या आपके पास कोई वर्ड्स है इसके बारे में इंग्लिश का, तो उसे आप कमेंट में भी कर सकते हो ताकि और को भी पता चले। इससे आप अपोजिट वर्ड्स होते हैं जैसे क्वाइटनेस का शांति होता है, शोर शराबे को क्या कहते हैं, या क्वाइटनेस के साथ हम ऐसे कौन से वर्ड्स जोड़े जिसे एक और वर्ड बन सकता है, ऐसे ही आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मड, MUD मड का मतलब कीचड़ होता है। सोइल का मतलब मिट्टी होता है। कम्फर्ट का मतलब आराम होता है, जैसे कम्फर्ट जोन होता है उसे हम आराम एरिया कहते हैं, आराम का एरिया उसे हम कम्फर्ट कहते हैं। कहीं पे आप जा रहे हो, कोई बिस्तर पे आप लेटे हो तो वहाँ पे आपको आराम महसूस हो रहा है तो आप कहोगे कम्फर्ट है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, जैसे साउंड रिफ्लेक्शन, साउंड रिफ्लेक्शन को हम गूंज कहते हैं। साउंड का मतलब कोई ध्वनि हो गई, रिफ्लेक्शन मतलब वो वापस टकरा के आ रहा है तो उसे हम गूंज कहेंगे, साउंड रिफ्लेक्शन यानी गूंज। फ्रगल का मतलब कम खर्च होता है।
बॉर्डर का मतलब किनारा होता है, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना होता है, अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक या अद्भुत होता है, उसे हम अमेजिंग कहते हैं। ईजी का मतलब सरलता से, टू लॉस फ्रेशनेस होता है, टू लॉस फ्रेशनेस यानी धीरे धीरे मुरझाना। कोई भी फ्लावर होता है उसकी फ्रेशनेस मतलब वो ऐसे कमज़ोर हो जाता है, मुरझा जाता है, तो उसे हम कहते हैं टू लॉस फ्रेशनेस यानी धीरे धीरे मुरझाना। हिंड्रेंस का हम मतलब रुकावट है, यानी हिंड्रेंस को रुकावट कहते हैं। क्लियर का मतलब स्पष्ट, या बिलीव का मतलब विश्वास होता है, बिलीव का भी मतलब विश्वास होता है, और बिलीव का मतलब भी विश्वास होता है। प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है। दोस्तों यही हमारा अंतिम पॉडकास्ट का मीनिंग था, प्रॉफिट यानी लाभ। दोस्तों काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, मतलब पॉडकास्ट बड़ा भी हो गया, वैसे हमने 7 या 8 मिनट की बात की थी लेकिन ये लगभग 12 मिनट का हो रहा है। तो इस पॉडकास्ट में अब इतना ही, हमने लगभग 60 या 50 इन बीच में हमने मीनिंग्स को जाना है, लगभग आप 60 मान सकते हो मीनिंग्स को हमने जान लिया है इसके अंदर। तो आप इस पॉडकास्ट को दोबारा भी आप लर्न कर सकते हो या सुन सकते हो, जिससे आप अच्छे से याद रख पाओगे इन चीज़ों को। दोस्तों इस पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, यूं ही शिक्षा PM तक हो, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।